नमस्कार, हिमाचल अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। कोरोना की नई वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल, कसौली लैब में नेजल मेडिसिन के 3 और बैच पास। देश की पहली स्वदेशी दवाई, करीब 7500 डोज अप्रूव। सीएम सुक्खू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीओ परिसर के निर्माण शीघ्र शुरू करने का किया आग्रह। पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से की मुलाकात। चंबा के पांगी में आया एवलांच, फिंडपार में पेयजल व्यवस्था हुई बर्बाद। ग्रामीणों को अब बर्फ पिघलाकर बुझानी होगी अपनी प्यास। रामपुर में SJVNL के खिलाफ प्रदर्शन। निथर में परियोजना प्रभावित सड़कों पर उतरे, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, बोले जल्द सर्वे कराएं। लाहौल स्पीति में भारी हिमपात, सभी मार्ग बंद। अटल टनल के दोनों किनारे भी बर्फ तले दबे। अंब बने थी हट्टी अग्निकांड में पुलिस की कार्यवाही, जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज, पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के जिला सोलन स्थित कसौली में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक के 3 और बैच को परीक्षण कर पास कर दिया गया है, जिसमें लगभग 7500 के करीब डोज है। भारत बायोटेक की स्वदेशी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली के मानकों पर खरी उतरी है। कोरोना ने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है, उससे हर कोई वाकिफ हो चुका है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है। इससे पहले CDL कसौली ने 25 जनवरी को इंट्रानेजल वैक्सीन के 3 बैच पास कर कंपनी को भेजे थे, जिसमें लगभग 7500 के करीब डोज थे। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। सुक्खू ने पर्यटन मंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की नीति से अवगत करवाया। चंबा की पांगी घाटी में ग्लेशियर गिरने से पेयजल व्यवस्था तहस नहस हो गई है। गनीमत ये रही कि ग्लेशियर गांव तक नहीं पहुंचा, वरना इस गांव में बने 70 घरों को नुकसान पहुंचता और कई जानें भी चली जाती। लेकिन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे फिंडपार गांव के नाला में एक बड़ा ग्लेशियर आया। इस नाले से ही उपरोक्त गांव को पेयजल आपूर्ति सुविधा मुहैया करवाई जाती है, जो अब पूरी तरह से ठप पड़ गई है। ग्लेशियर आने की वजह से मलबे के नीचे जल शक्ति विभाग की पाइपलाइन दब गई है, जो अब जाम है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कुल्लू की उपतहसील निथर में लुहरी परियोजना प्रभावितों ने शुक्रवार को किसान सभा के बैनर तले परियोजना प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभा ने नायब तहसीलदार निथर विकास कुमार को लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण 1 के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रभावित पंचायतों ने समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजना प्रभावितों की मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। परियोजना प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन मनमाना रवैया अपनाकर प्रभावितों का हक कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वे कामयाब नहीं होंगे। लाहौल स्पीति जिला में भारी हिमपात हुआ है, इससे सभी संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। मनाली लेह राजमार्ग 003 बर्फबारी होने के कारण बंद हो गया है। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में भारी हिमपात हुआ। इसके अलावा दारचा शिंकुला मार्ग, पांगी किलाड़ मार्ग, ग्राम फुकाजा, समुदो लोसर मार्ग बंद हो गए हैं। जिला कुल्लू में भी रात भर ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कई बस रूट प्रभावित हो गए हैं। जिला ऊना के अंब के बने दी हट्टी में हुए अग्निकांड में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंब पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के पिता रमेश दास पुत्र बेचन दास निवासी गांव नंदा पट्टी बिहार की शिकायत पर भूमि मालिक कुलदीप सिंह पुत्र करतार चंद निवासी मुबारकपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
रमेश चंद ने उसके परिवार के साथ हुए हादसे के लिए कुलदीप कुमार द्वारा दिए गए बिजली के कनेक्शन को जिम्मेदार ठहराया है। बच्चों के पिता रमेश दास का आरोप है कि कुलदीप कुमार ने उनकी झोंपड़ियों को बिजली का कनेक्शन तो दे रखा था, मगर झोंपड़ियों में बिजली की वायरिंग नहीं करवाई गई थी। अगर झोंपड़ियों में बिजली की तारों की वायरिंग करवाई गई होती तो चार मासूमों की जिंदगी बच सकती थी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।